नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के करंट अफेयर्स बुलेटिन में। और मैं सूरज भारद्वाज आज फिर से लेने जा रहा हूं आपकी ये क्लास। दोस्तों, आज हम लोग जिन टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उनमें है हमारा इजक कप, राफेल, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, फिर बात करेंगे फेमस बुक्स की। कल भी हमने आपको इस सीरीज में 8 बुक्स का नाम बताया था और आज भी कुछ बुक्स के साथ आपको छोड़े जाएंगे उसके ऑथर कौन है। फिर बात करेंगे चलते चलते जो है वो बड़ा रोचक है आज का, क्योंकि मैं बहुत कुछ इसमें खोज के आपके लिए लाया हूँ, 1.5 घंटा खोजा था इसके लिए। उसके बाद मैं बात करूंगा फिर क्वेश्चन आंसर सेशन की, जिसमें कि हम आपको कल के उत्तर के साथ और आज फिर एक और नए प्रश्न के साथ आपको छोड़े जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास और बात करते हैं इजक कप की। दोस्तों, इजक कप बड़ा इंपॉर्टेंट है और चर्चा में आ चुका है। चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि भारत की मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, उन्होंने जो है जीत लिया है गोल्ड, और ये हो रहा है थाईलैंड में भी। तो गोल्ड जीत लिया तो भारत में चर्चा में आ गया। हालांकि आपसे इजक कप से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये चल रही है ओलंपिक्स की तैयारी। तो यहां से आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आता है ये कि ओलंपिक्स कब होने वाला है अगला। तो बता दें कि 2020 में, यानी 2020 में अगले साल ओलंपिक्स होगा और यह होने वाला है टोक्यो, जापान की राजधानी में। तो एक प्रश्न आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से निकल के आया और हो सकता है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से कहीं पूछी ना दे। उसके बाद हम बात करेंगे राफेल के ऊपर, पूरा देश गर्म है राफेल के ऊपर और राफेल चर्चा में है, लेकिन इस गर्मी में हम लोगों को अपना जीके का प्रश्न ढूंढना है, उसके चर्चा में नहीं पड़ना है। तो राफेल के बारे में बता दें कि यह एक रक्षा समझौता है, IGA है, भारत और फ्रांस के बीच में। IGA का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। भारत और फ्रांस इस रक्षा समझौता से जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न राफेल से यह निकल के आ सकता है कि राफेल समझौता से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो उत्तर होगा भारत और फ्रांस। और जब भारत और फ्रांस की बात आ ही गई है तो थोड़ा फ्रांस के प्रेसिडेंट का भी नाम जान ले जो हाल ही में भारत भी आए थे। तो उनका नाम है इमैनुएल मैक्रोन। और उसके बाद जब फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम जान लिए तो भारत के तो कम से कम रक्षा मंत्री का नाम जानिए जो समझौता से विशेष ताल्लुकात रखती है, जिसका नाम है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन की एक बहुत बड़ी खासियत यह है वह भारत की पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर है। हालांकि इससे पहले इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस पोस्ट को होल्ड किया था, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र रूप से इस पोस्ट को होल्ड नहीं किया था, बल्कि प्रधानमंत्री के कार्यभार के साथ उनका यह कार्यभार था। इसलिए भारत की पहली रक्षा मंत्री जो है वह माना जाता है निर्मला सीतारमन को। उसके बाद हम बात करते हैं ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, पूर्वोत्तर भारत की। क्यों कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की बात? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं पूर्वोत्तर भारत की यात्रा में, जहां वो असम, त्रिपुरा और अरुणाचल में सभाएं कर रहे हैं और उनपे भी किया जा रहा है चुनावी वार, और वो भी वहां से कर रहे हैं। तो हमको ये सब नहीं जानना है, हमको ये जानना है कि पूर्वोत्तर भारत जो है जीके के दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्टेट्स के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सेवन सिस्टर्स का हिस्सा है, या फिर इनमें से कौन जो है वह हिमालयन स्टेट है। तो आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से 8 राज्य आते हैं, जिसमें एक आपका सिक्किम हिमालयन स्टेट है, बाकी है सेवन सिस्टर्स। तो सेवन सिस्टर्स में कौन कौन आते हैं? सेवन सिस्टर्स में आपका आता है अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद आपका आता है मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। तो यह था आपका 7 राज्य सेवन सिस्टर्स जिसको कहा जाता है, और कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं इसका आपको एक ट्रिक भी दे देता हूं जो बड़ा फेमस है, गूगल भी आप करेंगे कहीं तो आपको मिल जाएगा। इसका एक सिंपल ट्रिक है याद रखने का, एटीएम आना मम्मी, यानी एटीएम आना, ए से अरुणाचल, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम या मेघालय, कोई भी आप रख लीजिए, आना, ए से आना शुरू होगा, ए एन इसमें लीजिए, ए से फिर असम या अरुणाचल ले लीजिए, एन से लीजिए नागालैंड, और मम्मी डबल एम, इससे मणिपुर और मेघालय या मिजोरम, आप जिसको भी फिट करना चाहे इसमें फिट करिए और याद रखिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको जानना चाहिए, काफी ही समृद्ध है या जो है भौगोलिक रूप से और अन्य कई चीजों में भारत के लिहाज से, और बहुत ही सामरिक महत्व का यह प्लेस है। क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो है इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत सब जो है इसको घेरे हुए नॉर्थ ईस्ट को। उसके बाद आइए
बात करते हैं फेमस बुक्स की। फेमस बुक्स में हमने कल भी आपको कुछ बुक्स के बारे में बताया था और आज भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक की चर्चा चार्ट के माध्यम से करते हैं। हाँ, तो तैयार हो चुका हमारा ये चार्ट, तो आइए देखते हैं आज बुक्स के नाम। पहला जो बुक है वह है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो है इनके लेखक है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद आप इनको जानते होंगे, महान स्वतंत्रता सेनानी, ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, और यह थे आपके भारत के पहले शिक्षा मंत्री। दूसरा है वाई आई एम एन एथिस्ट, इसको लिखा है महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, इसके लेखक कौन है, तो भगत सिंह। उसके बाद अगला बुक है हमारा विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है। फिर है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, देश के बापू आदरणीय महात्मा गांधी, इन्होंने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद अगला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बड़ा लंबा इनको चलना भी पड़ा था, इसीलिए इन्होंने लिखा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। बड़ा रोचक कहानी रहा है इनका, और श्वेत अश्वेत का जो संघर्ष था उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, जी हाँ वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन जिसका आप गाते रहते हैं, इन्होंने लिखा था। और फिर अंतिम हमारा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने, उनकी यह एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं चलते चलते की, तो चलते चलते आपको सबसे पहले बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड बैंक के चीफ के लिए डेविड मालपास का नाम आगे बढ़ाया है। अब अगर अमेरिका ने नाम आगे बढ़ाया है तो यह मान के चलिए कि आपके जीके के दृष्टिकोण से वर्ल्ड बैंक का चीफ जो है वह डेविड मालपास लगभग उसका बनना तय है, क्योंकि अमेरिका के पास जो है वह वर्ल्ड बैंक का सबसे ज्यादा शेयर है। और उसके बाद आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी अभी चल रहा है जिसमें कि विदर्भ ने उसको जीत लिया है, तो यहां से एक प्रश्न यह बन सकता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। और जो मैं सबसे रोचक तथ्य बताने वाला था आपको यह है कि मैं डेढ़ घंटा खोजा आज 9 फरवरी का इतिहास क्या है, तो उसमें मुझे मिला कि आज है वर्ल्ड पिज्जा डे, तो खाइए आप एकदम जम के पिज्जा और खिलाइए। और दूसरा मिला चॉकलेट डे, आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, खूब चॉकलेट खाइए और खिलाइए भी, लेकिन अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहिए। यहाँ दोस्तों कल हम आपको 3 प्रश्नों के साथ छोड़े गए थे और आज आपको 1 प्रश्न के साथ छोड़े जा रहे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में, तो आपको आज बताना है कि उन 7 सिस्टर्स की राजधानी कहाँ है। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती है तो सोचिए आपका लेवल कितना कम है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं इतना बता रहा हूं कि आपका लेवल इतना कम से कम होना चाहिए कि भारत के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी राजधानी आनी चाहिए आपको। तो आप जो उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए अगर आ रहा है, हम भी देखें कि आप लोगों में से कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर देते हैं। उसके बाद जो है फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।